ఇక్కడ లేదు ఇట్లనే బో చుగరే అజి సాబ్ంగ వల్ల థార్ బో థారి నోపిందే ఇది ఇది మరాజి మింద జోకో సోలియే కాన్ సే జారి ఓర్ గలత్ రస్తే జారి ఇదర్ సే జోలి ఇదర్ సే ఇస్ వాలి సైడ్ సే ఏ గలత్ రస్తా అభి మే మౌజూద్ హూ స్కర్దోస్ టీ షాహీన్ చౌక్ పర్ ఔర్ అభి మే ఇస్ వక్త్ జా రహా హూ ఖర్పోచో ఫోర్ట్ एक तो खपलू में जो था खपलू फोर्ट वहाँ पे तो मैंने व्लॉग बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा हो तो व्लॉग देख लें। और अभी मैं स्कर्दो खरपोचो में जा रहा हूँ, ये सामने ऊपर पहाड़ पर है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से मैं आया था शाहीन चौक से ना, ये इस तरफ जो स्कर्दो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इस साइड को आता है, और यहाँ से आप यूँ जाएंगे तो इस तरफ खपलू वाली साइड पर आप चले जाते हैं, और यहाँ पर सामने हिल्टन इंटरनेशनल होटल भी है का। तो यहाँ से ये सामने गली जो देख रहे हैं इस गली में जाना है, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो जो भी अगर आते हैं तो यार उनको ये बोर्ड नहीं दिखता, अक्सर लोगों को मसला होता है कि यार खरपोचों की तरफ कहाँ से जाना है। तो ये सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं ना, इसके सामने बिल्कुल ये देखें, ये छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, तो ये सामने हमने गली में जाना है। तो यार मैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है खरपोचों पर, पहली दफ़ा जा रहा हूँ, और मैंने भी अभी तक नहीं देखा ऊपर का जो व्यू है, ऊपर से कैसा व्यू आता है स्कर्दो का। तो गाइस ये देखें वो सामने आपको जो पहाड़ पर देख रहे हैं ना, वहाँ पर हमने जाना है। तो रास्ते यहाँ पे यार आप देख ही सकते हैं, थोड़ा मतलब कच्ची सी रोड है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना खरपोचो। तो और हम यहाँ से आए थे, एक मिनट मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो देखें कितने ऐसे ख़राब सी रास्ता था ना यहाँ पे, मतलब सही से रोड नहीं बना हुआ था। एक हमने वहाँ पे नहीं रोकी, तो बस ऐसे ही कच्ची रोड से हम लेके आ गए, तो हमारा काफ़ी टाइम बच गया। और ये सामने हमने बाइक यहाँ पर खड़ी कर दिया, और अभी यहाँ से हमने जाना है जी हाइकिंग करके, वो ऊपर टॉप पर जाना है। और ये देखें यार यहाँ के रास्ते, तो बस अल्लाह माफ़ी करे, कितनी खतरी सी जगह है ना यहाँ से देखें, इसलिए बस ये थोड़ी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, आराम आराम से जाते हैं। और नीचे को तो देखना ही मन है भाई, नीचे को देखते ही नहीं है, नीचे को देखते और बंदर डर जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये दरियाई सिंध है, और इसके पीछे एक विलेज है, ऑर्गेनिक विलेज। तो इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरा, तो वो उधर का होगा, ऑर्गेनिक विलेज का। तो वो जो पार्ट होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, और इस वीडियो के साथ एंड में ऐड भी कर दूंगा, तो आप लोग वो व्लॉग भी देख लीजिएगा। यार कितनी खतरी सी जगह है, और ये देखें यहाँ पर रास्ता टूटा हुआ भी है देखें, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। सुभान अल्लाह जी, ये देखें, तो मैं फाइनली पहुंच गया जी खरपोचो, और ये स्कर्दो का व्यू चेक करें ज़रा, सुभान अल्लाह यार, ये स्कर्दो का व्यू चेक करें। और यहाँ तक आने में हमें 15 से 20 मिनट लगे थे, हाइकिंग करके आनी पड़ती है, बाइक हमने नीचे ही खड़ी कर दी थी देखें। चल दरवाज़ा खटखटाओ ना, कोई है कि नहीं? हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम, चिने जी ठीक है ता गोजी पिया चौसी। ये देखें यार अब काम खराब कर दिया, अभी वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे, और हम काफी दूर से आए हैं, तो अभी पीछे से दरवाजा मुकम्मल बंद किया हुआ, और यहीं पर आगे से कोई जाने का मुझे रास्ता भी नहीं पता, तो यार अब क्या करें। हजी को भेजी शहजे, यार दरवाजा भी नहीं खोल रहा, फांसो लो फांसो कुछ फांसो, तभी क्या करें यार यहाँ पे। रास्ता पता है सुहेल आगे कोई? हाँ, तो ये तो अब काम खराब है ना यार। बहुत शुक्रिया हजी साहब का, वल्ल थार बहुत थारी नो फिंदे इरी बिल्कुल। तो यहाँ माजरत यहाँ नित खराब बस, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बड़ी मुश्किलों से दरवाजा खोले, तो यार बस शुक्र है दरवाजा खोले, वरना वापस जाना पड़ता। तो मैं आपको दिखाते हैं जी, यहाँ से भी स्कर्दो का व्यू बहुत अच्छा आता है, और अक्सर लोग ये जो जगह है ना यहाँ पे बैठ के तस्वीर बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे यार कौन सी जगह होगी, तो ये वाली ये जगह है। और यहाँ से देखें पूरा व्यू आप देखें, यहाँ से कितना प्यारा आता है। तो ये वो जगह थी, और यहाँ पर वीडियोस पिक्चर्स बनाते हैं लोग, हम भी बना लेते हैं। और यहाँ से चलते हैं आगे, और आगे शायद मेरे ख्याल से आगे जो ऑर्गेनिक विलेज है वो भी शायद नज़र आएगा उस वाली टॉप से, वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से फिर
व्यू चेक करते हैं आगे से। तो देखें यार, यहाँ पर ये शायद मस्जिद बनाई हुई है मेरे ख्याल से। नहीं, मस्जिद अब कंफर्म कह नहीं सकते क्या है, मस्जिद बनाया होगा मेरे ख्याल से। अभी इस पर काम कर रहे हैं। वो अगर वो वहाँ पर ना सरफरंगा कोल डिजर्ट भी नज़र आ रहा है, वो देखिए बहुत दूर है यहाँ से। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग होगा, वहाँ पर भी जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको यहाँ की सैर कराता हूँ। और यार ये बहुत पुराना किला है, कोई पता नहीं 1000-1500 साल पुराना ये किला है, या फिर उससे भी पुराना। देखें यार यहाँ की जो छतें हैं वो सारी टूटी हुई हैं, और यहाँ पर अभी काम भी नहीं किया। ये वाली साइड हम काफ़ी घूम लिया, तो अभी हम जा रहे हैं इस वाली साइड पे। इधर ऊपर ऊपर भी एक छोटा सा एक वो बनाया हुआ है, कमरा बनाया हुआ है, तो ऊपर जाके देखते हैं, शायद उसमें पुरानी चीज़ें पड़ी होंगी। और यार फ्रेंड, जिस जगह का मैं आपको बता रहा था ना, ऑर्गेनिक विलेज, वो इस साइड को आता है। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ना, यहाँ से हमें हाइकिंग करके पैदल जाना पड़ेगा। और वो ये वाली जगह 30-35 मिनट की दूरी पर है। तो पहले हम यहाँ पे घूम फिर लेते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ऑर्गेनिक विलेज का होगा, तो वो देख लीजिएगा। सुनिए, कहाँ से जा रहे हो? गलत रास्ते से जा रहे हो, इधर से चलो, इधर से, इस वाली साइड से, ये गलत रास्ता है। या अल्लाह, ओ खुदा, कितना फिट व्यू आ रहा है यार, देखें, सुभान अल्लाह यार, पूरा स्कर्दो नज़र आ रहा है यहाँ से, देखें। तो ये रूम देखें, ये पता नहीं क्या, शायद वो जो नीचे अंकल थे ना, वो इसमें नहीं रहते, ये ऐसी पड़ा हुआ है। तो देखें यार कितना पुराना है यार, इसकी जो लकड़ियाँ हैं, इसका जो काम हुआ हुआ है, उससे ही अंदाज़ा लगा लें आप। और अभी यहाँ से हम नीचे को उतर रहे हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं ना जीता आपकी। और दी घर 50 साल पुराने हैं जो, 1200 साल पुराने हैं जो। चलो जो हुआ दी आई दोहा का यूट्यूब की तामिंदे जो खोलूंगा। अल्लाह हाफिज चिक, बस अल्लाह हाफिज। बस मैं आज का अपना ना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखेगा अपना। और अभी मैं जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मैं ऑर्गेनिक विलेज की तरफ जा रहा हूँ, तो वो इसके साथ मैं ऐड कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो वो भी देख लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।